आज इसमें लिया गया है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। सबसे पहले फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी को, उसके बदले में जो उनको रिवॉर्ड मिलता है, जिस तरह की रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये जो रिवॉर्ड होता है इसको हम बोलेंगे फैक्टर इनकम। जब हम ट्रांसफर इनकम की बात करते हैं तो जो इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न, ये उस तरह की इनकम होती है जिसमें हमने कोई सर्विस रेंडर नहीं किया है बट हमें ये पेमेंट मिल रही है, और ये यूनिलेटरल होती है इस वजह से क्योंकि हमने कोई सर्विस नहीं दी, हमें वन साइडेड पेमेंट ही आ रही है खाली, ना ही हमने कोई कोई कॉन्ट्रीब्यूट किया किसी प्रोडक्शन यूनिट में, ना ही हमने कोई अपनी तरफ से कोई भी सर्विस किसी प्रोडक्टिव यूनिट को प्रोवाइड की। एग्जाम्पल के तौर पर ओल्ड एज पेंशन, हमारी जो ओल्ड एज पेंशन है वो हमारी ट्रांसफर पेमेंट होगी क्योंकि ओल्ड एज पेंशन जो है वो हमें विदाउट एनी सर्विस मिलती है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि ये ओल्ड एज पेंशन है जो 60 से अबव लोगों को गवर्नमेंट सपोज 500 रुपीज पर मंथ या 1000 रुपीज पर मंथ जो है वो प्रोवाइड करती है, ये ओल्ड एज पेंशन है, ना कि ये रिटायरमेंट पेंशन है, क्योंकि रिटायरमेंट पेंशन जो है वो ट्रांसफर इनकम नहीं होती। पॉकेट अलाउंस, आपकी स्कॉलरशिप जिसमें गवर्नमेंट कई बार स्कॉलरशिप देती है पढ़ने के लिए, तो वो स्कॉलरशिप जो है वो आपके ट्रांसफर इनकम का पार्ट होता है। टैक्सेस, हम गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं और उन टैक्सेस के बदले में कंपलसरी नहीं है कि गवर्नमेंट उस स्पेसिफिक टैक्स के बदले में हमें कोई स्पेसिफिक सर्विस देगा। सिमिलरली सब्सिडीज, जैसे एलपीजी पे सब्सिडी हमें मिलती है, डीजल पे सब्सिडीज मिलती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ये एग्जाम्पल है हमारी ट्रांसफर इनकम की। हाँ, इनकम की कैलकुलेशन में और डोमेस्टिक इनकम की कैलकुलेशन में यूज नहीं किया जाता है, इसीलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन, 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो जो फैक्टर इनकम होंगी वो सारी की सारी फैक्टर इनकम जो होंगी वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती हैं, और जितनी भी ट्रांसफर इनकम्स होंगी लाइक स्कॉलरशिप, चाहे कोई लॉटरी लग गई, लाइक गवर्नमेंट ने जो है सब्सिडीज प्रोवाइड की, वो उस तरह की चीजें जो हैं वो नेशनल इनकम में। नेक्स्ट, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो या तो कंजम्पशन के लिए या तो इन्वेस्टमेंट को हम दोबारा से रीसोल्ड नहीं कर सकते, दोबारा से बेच नहीं सकते, उसको फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन कि उस सर्विस को या उस गुड को फर्दर हम ट्रांसफर करके किसी और को प्रोवाइड करें वो नहीं होता है, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस से फाइनल गुड्स बाहर होती हैं उनको दोबारा से। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। उसके उल्ट जब हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स या तो रीसेल के लिए यूज की जाती हैं या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती हैं अगर वो सेम ईयर में यूज की जानी हो। ये पॉइंट बड़े ध्यान से सुनिएगा कि वो उसी ईयर में यूज की होनी चाहिए, क्योंकि अगर इंटरमीडिएट गुड सेम ईयर में, सेम अकाउंटिंग ईयर में यूज्ड अप नहीं होंगी तब वो इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो फाइनल गुड्स मानी जाएंगी, और यही हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी है। नेक्स्ट जो टॉपिक सब टॉपिक हमने लिया, हाउ टू क्लेम टू इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ प्रोडक्ट एंड नॉट ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ। ये बड़ा ध्यान से देखिएगा कि जो बेसिक डिफरेंस है कि कौन सी गुड फाइनल गुड होगी और कौन सी गुड जो है इंटरमीडिएट गुड्स होगी, हम किसी स्पेसिफिक गुड को फाइनल गुड या किसी स्पेसिफिक गुड को इंटरमीडिएट गुड नहीं बोलेंगे। एक सेम गुड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक पर्टिकुलर प्रोसेस में जब वो यूज की जाएगी तब वो इंटरमीडिएट भी हो सकती है, और अगर उसको स्पेसिफिक किसी और पर्पज के लिए यूज किया जाएगा तो वो इंटरमीडिएट भी हो सकती है। जैसे कि मैं मिल्क की एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर मिल्क घर में यूज किया जा रहा है, हाउसहोल्ड में यूज किया जा रहा है, बच्चे उसको पी रहे हैं, उसको घर में चाय बनाने के लिए यूज किया जा रहा है, तो वो मिल्क जो है वो फाइनल प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर सेम मिल्क जो है वो डेयरी वाले के पास जा रहा है और वो डेयरी वाला जो है वो उस मिल्क या दुकानदार के पास जा रहा है जो और उस मिल्क को जो है वो फर्दर उसका पनीर बना रहा है या फर्दर कोई और प्रोडक्ट में मिठाई स्वीट्स बनाने में यूज किया जा रहा है, तब वो मिल्क जो है वो इंटरमीडिएट गुड होगा। ये हमने पहले भी बात की, इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड अप इन द सेम ईयर अगर नहीं की जाएंगी
देन वो उस ईयर की फाइनल गुड्स में आएगा।